मेरा नाम सैयद जाफर हुसैन, मैं एलिवेट हाई स्कूल में हिंदी अध्यापक हूँ। आज हम तीसरी कक्षा का 13वां पार्ट, मिर्च का मज़ा। ये मिर्च का मज़ा क्या है ये अपन देखेंगे। इसके लेखक है रामधरी सिंह दिनकर, इन्होंने ये कहानी लिखी हुई है। रामधर सिंह दिनकर। लेसन का नाम है मिर्च का मज़ा। क्या है मिर्च से कैसा मज़ा आता है? असल मिर्च तो अपने को मुंह जलाने वाली चीज़ है, लेकिन ये मज़ा क्यों ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, कैसा ले रहे हैं, ज़रा अपन इसके बारे में गौर से देखेंगे। ये काबुली वाले की कहते हैं लोग कहानी, लाल मिर्च को देख गया भर उसके मुँह में पानी। काबुली वाला, ये कहानी है काबुली वाला। ये काबुली वाले की कहानियाँ अपन बहुत सुनते रहते हैं, बहुत कहते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे उसके साथ साथ लाल मिर्च को देख गया भर उसका मुंह में पानी। ये लाल मिर्च को देख के उसके मुंह में पानी आ गया। किसके मुंह में? काबुली वाले के। सोचा क्या अच्छे दाने हैं, खाने से बल होगा, ये ज़रूर इस मौसम का कोई मीठा फल होगा। बेचारा उसके मुंह में पानी आ गया काबुली वाले के। उन्हें सोचने लगा क्या इसके अंदर कितने अच्छे अच्छे दाने हैं, ये कौन से मौसम का मीठा फल होगा, ये भी एक फल है क्या है कि ये फल कौन से मौसम का मीठा फल होगा। एक चवन्नी फेंक और झोली अपने फैला कर खुंजड़ीन से बोला बेचारे ज्यों त्यों कुछ समझ कर। एक चवन्नी दिया और अपनी झोली फैलाया और कुंजड़न, कुंजड़न बोले तो तरकारी बेचने वाली, कुंजड़ बोले तो बेचने वाले। ये कुंजड़िन से बोला बेचारे ज्यों त्यों कुछ समझ के, क्या ये एक फल समझ के चवन्नी दे के इसमें मिर्ची डालने के लिए बोला। लाल लाल पतली छीमी हो चीज़ अगर खाने की तो हमको दो तोल छीमियाँ फकत चार आने की। लाल लाल पतली छीमी हो, ये लाल लाल पतली सी चीज़ है, अगर खाने की है तो हमको दो तोल छामियाँ फंकता चार आने की। ये तोल के दे दो एक चार आने की, क्योंकि इन्होंने चवन्नी दिया इसलिए चार आने की दे दे। हाँ ये तो सब खाते हैं, कुंजड़न बेचारी बोली। बेचारी कुंजड़न बोली ये चीज़ जो मिर्ची है हर एक जने भी खाते, और शेर भर लाल मिर्ची से भर दी उसकी झोली। हाँ ये तो खाते ये सब लोग खाते, बोल के एक शेर मिर्ची उसके झोली में भर दी। मगर हुआ काबुली फली का सौदा सस्ता पाके, मगर यह काबुली वाले का सौदा जो है सस्ता था। लगा चावने मिर्च बैठ के नदी किनारे जाके, एक नदी के किनारे जाके ये लाल मिर्च खा लेते हुए बैठा। कितनी सस्ती में ला लिया इन्होंने, एक झोली भर के मिर्ची ला लिया एक छवनी में, और एक नदी के किनारे जाके उसे खाने लगा। मगर मिर्च ने तुरंत जी पर अपना जोर दिखाया, मुंह सारा जल उठा और आंखों में जल भर आया। इन्होंने नदी के किनारे जाके बैठ के खाने लगा, लेकिन मिर्च ने तुरंत फौरन जीप पर अपना जोर दिखाया, यानी मुंह जलने लगा, मुंह सारा जल उठा और आंखों में जल भर आया। ये खाते इसके मुंह जलने लगा और आंखों से पानी निकलने लगा। पर काबुल का मर्द लाल छीमी से क्यों मुख मोड़े, खर्च हुआ जिस पर उसको क्यों बिना सादाएं छोड़े। लेकिन काबुली वाला एक मर्द लाल छीमी यानी ये लाल मिर्ची क्यों से मुंह क्यों मोड़ना, बल्कि सोच लिया ये लाल मिर्ची से क्यों मोड़ना, खर्च हुआ जिस पर उसका इसके पर चवन्नी खर्च हुई, क्यों बिना इसको सीधा ही छोड़े, क्यों छोड़ना है इसको सीधा। आंखें पोंछते दांत पीसते रोते और सीसी आते, वो खाता ही रहा मिर्च की छीमी सी सीसियाने। आंख पोंछते रहा दांत पीसते रहा और रोते रहा और आंसुआ पोंछते रहा,
लेकिन ये मिर्ची जो है उन्हों खाता ही गया। इतने में आ गया उधर से कोई एक सिपाही, इतने में उधर से एक सिपाही वहाँ पे आ गया, बोला बेवकूफ क्या खाकर यूं कर रहा तबाही। उन्हों आके वो सिपाही आके इसको बोला, अरे वो बेवकूफ ये मिर्च खा के क्या कर रहा है यहाँ पे तबाही। कहा काबुली ने, मैं हूँ आदमी ना ऐसा वैसा, जा तो अपने रहा सिपाही, मैं खाता हूँ पैसा। जब काबुली वाला ये सिपाही से बोला, मैं हूँ आदमी ना ऐसा वैसा, मैं ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ, जा तेरा काम तू कर ले, अपना सिपाहीपन तू कर ले, मैं खाता ही रहूँगा, ये मेरा पैसे की चीज़ है। ये था मिर्च का मज़ा। कितना मज़ा आ गया बेचारा चवनी में, ये फल समझ के, एक सीज़न का फल समझ के उसको लेके उन्होंने खाने के वास्ते गया। एक नदी के किनारे बैठ गया, वहाँ पे खाने लगा और मिर्ची गए कि खाने शुरू करते जीभ को जलने लगा और आँखों में से आंसू आने लगे, लेकिन फिर भी ये जो काबुली वाला है उसे छोड़ा नहीं, अपनी पैसों की कीमत जितनी थी उतनी चुका के ही हटा। ये था मिर्च का मज़ा पाठ। आज यहाँ पे ये पाठ समाप्त।